इंसान को भगवान की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना माना गया है, जो कि बहुत हद तक सही भी है। इंसान ने अपने दिमाग के बलबूते पर ऐसे ऐसे आधुनिक आविष्कार कर दिए हैं जिनकी कोई कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था, और इंसान आज भी नित्य नए नए आविष्कारों की खोज में लगा हुआ है, जिनके रिजल्ट में वो हर रोज भगवान की बनाई इस सृष्टि को और अधिक जानता जा रहा है। लेकिन जहां एक ओर इंसान सृष्टि को समझने में लगा हुआ है, वहीं वो अपनी खुद की संरचना अपने शरीर से ही अनजान होता जा रहा है। इस रोजमर्रा की जिंदगी में दुनिया से कदम मिलाने की होड़ में वो अपनी खुद की सेहत पर न के बराबर ही ध्यान दे पा रहा है, जिसकी वजह से आए दिन लोगों में कोई ना कोई नई बीमारी या हेल्थ इश्यूज बने ही रहते हैं, जिनको हम शुरू शुरू में तो नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर वो हमारे लिए तकलीफ का कारण बन जाते हैं। तो और वक्त ना लेते हुए मैं सेक्स गुरु स्वागत करता हूं आपका, जहां हम बात करेंगे अपने आज के कॉलर से और जानेंगे उनकी परेशानी और कोशिश करेंगे उसे सॉल्व करने की। हेलो। हेलो जी, सेक्स गुरु? जी हाँ, और आप? जी मेरा नाम नमित है। जी नमित जी, बताइए। सर मैं बहुत मुश्किल में हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। हम आपको आपकी प्रॉब्लम भी बता देंगे और उसका सलूशन भी, लेकिन पहले आप हमें साफ साफ बताइए कि आपको हुआ क्या है, क्यों परेशान हैं आप? सर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रहता हूँ और मुझे नहीं मालूम ये कितना सच है कितना झूठ, लेकिन वो मुझसे कुछ समय से शिकायत कर रही थी कि मैं अक्सर बीच में नींद से उठकर कि मैं उसके साथ सेक्स करने लगता हूँ, लेकिन मुझे अगले दिन कुछ ऐसा याद ही नहीं रहता था। लेकिन अभी पिछले दिनों में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से मुझे काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी और मेरी गर्लफ्रेंड को भी काफी बेइज्जती महसूस हुई। ऐसा क्या हुआ? अगर आपको बताने में कोई एतराज ना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। सेक्स गुरु, अब कैसे बताऊं, क्योंकि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरे बचपन के दोस्त ने एक गेट टुगेदर प्लान करा था, सो जितने भी हम सब दोस्त थे वो सब गोवा गए। वहां हम लोग रूम शेयरिंग में रुके, तो मैंने भी अपने एक दोस्त के साथ रूम शेयर किया। अब आई डोंट नो कि क्या हुआ, उसने मुझे एकदम बीच रात से उठाया और लिटरली थप्पड़ मार के उठाया, और जब मैं हड़बड़ाकर उठा तो उससे कारण पूछा। और मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो वो मुझ पर चिल्लाने लगा और बोला कि कहां इधर उधर हाथ लगा रहा है, चिपक रहा है। मैंने उससे बोला कि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं, तो वो वही बोला कि मैं बहाने कर रहा हूँ, मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। खैर वो तो दोस्त था तो बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी और सॉरी वॉरी बोलकर बात वहीं खत्म हो गई। मुझे आपका केस समझ में आ रहा है, क्या उसके बाद भी ऐसा कोई और इंसिडेंट हुआ? यस सर, उसके बाद भी हुआ और वो थोड़ा और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक और इंसल्टिंग था। हम सब दोस्त कैंपिंग करने गए थे और प्लान था कि एक रात हम सब टेंट एंड ऑल बनाकर बॉनफायर करेंगे और वहीं रात गुजारेंगे। अब उस दिन हंसी मजाक करते हुए थोड़ी ज्यादा हो गई और मैं वहीं टेंट में सो गया था, जिसमें मेरे और भी कॉलेज के दोस्त थे। लेकिन अगले दिन जब मैं उठा तो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बताया कि मैंने रात को हमारी एक दोस्त जो कि हमारे साथ में ही थी उसके साथ वल्गर बिहेव किया, उसके उसके प्राइवेट पार्ट्स पर हाथ रख दिया।
आप समझ रहे हैं ना? यस सर, मैं समझ रहा हूँ। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। डरने वाली कोई बात नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया जो आपने हमसे अपनी कंडीशन शेयर करी। देखिए, घबराइए मत। मैं समझ सकता हूँ कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में आपको जिस फेज से गुजरना पड़ा वो बेहद मुश्किल था, लेकिन आप वही सोच सोच कर तो जिंदगी नहीं गुजार सकते ना। और अभी तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए उन सब बातों का, वो सब आपके दोस्त हैं। सही वक्त आने पर उन्हें भी समझ आ जाएगा कि आपने गलत इंटेंशन से कुछ नहीं किया था। अब से आप सिर्फ अपने आप पर ध्यान दीजिए और नींद पूरी कीजिए, स्ट्रेस कम लीजिए। समझ गए आप? यस सर, मैं समझ गया। थैंक यू वेरी मच। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उस सब्जेक्ट के बारे में किससे पूछूं, कैसे पूछूं, लेकिन आपने मेरी बहुत हेल्प कर दी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे आज के कॉलर नमित। सेक्स ओमनिया बहुत रेयर डिसऑर्डर होता है, जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों को शायद मालूम भी नहीं होता है। उम्मीद है नमित के जरिए हमें सुनने वालों को भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और नमित को भी कुछ हद तक शांति मिली होगी। नहीं तो अक्सर लोग ऐसी बातें शेयर करने से कतराते हैं और अंदर ही अंदर इस विकार को बढ़ाते रहते हैं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और कॉलर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। इमली खट्टी मीठी बातें।